प्राणघातक कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। केरल के त्रिशूर जिले में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस मिला है। हाल में ही वुहान से लौटे एक छात्र को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। उसे सरकारी अस्पताल में बने विशेष वार्ड में रखा गया है और आगे की जांच की जा रही है। वहीं चीन के हुबोई प्रांत से भारतीयों को स्वदेश लाने का काम शुक्रवार को शुरू हो जाएगा। भारतीयों को निकालने संबंधी प्रस्ताव को चीन से जल्द मंजूरी मिलने के आसार हैं। हुबोई प्रांत में कम से कम 6000 भारतीयों के होने की खबर है और विदेश मंत्रालय इन सभी से संपर्क करने की कोशिश में है। जो भी भारत आना चाहता है उसे फिलहाल स्वदेश लाया जाएगा। सबसे पहले हुबोई की राजधानी वुहान और इसके आसपास के इलाकों से भारतीयों को निकाला जाएगा। इनमें से ज्यादातर छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने बताया कि वुहान में पढ़ने वाले छात्र के खून के सैंपल को पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जांच के लिए भेजा गया था। नतीजा पॉजिटिव आया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित वुहान में मेडिकल का छात्र है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। हालांकि अभी एक और जांच का इंतजार है, उसके बाद ही छात्र को कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि की जा सकेगी। चीन से लौटे 3 अन्य छात्रों को भी त्रिशूर के अस्पताल में विशेष वार्ड में रखा गया है। राज्य में 1053 लोग निगरानी में रखे गए हैं। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हुबोई प्रांत में रहने वाले 600 भारतीयों से संपर्क साधा गया है। इच्छुक लोगों को वापस लाया जाएगा। चीन की सरकार की तरफ से भी अनुमति का इंतजार है। उम्मीद है कि अनुमति जल्द मिल जाएगी और वुहान व इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले भारतीयों को लेकर पहला विमान शुक्रवार देर शाम तक भारत आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा विमान भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद सरकार ज्यादा सतर्क हो गई है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने स्वदेश आने के लिए भारतीयों की जांच पड़ताल और उन्हें अलग रखने की व्यवस्था आदि की समीक्षा की। केरल के त्रिशूर जिले के इस अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित भारतीय छात्र भर्ती हैं। दुनिया के कई महाद्वीपों में कोरोना वायरस के पहुँचने के साथ ही भारत में इसके पहले पीड़ित की पुष्टि हो चुकी है। चीन में 7000 से ज्यादा लोग इसके संक्रमण से प्रभावित हैं। 100 से ज्यादा लोग काल कवलित हो चुके हैं।